ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम इस तरह का एक सर्टिफिकेट बनाने का कोशिश करेंगे कि किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है और उसको करने का राइट वे क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक न्यू फाइल खोल ली है, जिसमें हमने पेपर को सेट किया है लेआउट के टैब पे जाके लेटर पर, और ओरिएंटेशन हम सेट करने लगे हैं इसकी लैंडस्केप पर, मार्जिन रखने लगे हैं नॉर्मल पर, सॉरी नैरो पर, और अब शुरू करते हैं इस पर काम करना। तो यहाँ इंसर्ट में जाके सबसे पहले हम एक शेप बनाते हैं यहाँ पे क्लिक करके, जो हमें इस काम को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इसे इस शेप को ट्राई कर लेते हैं, शिफ्ट का बटन होल्ड करके इसको इस तरह से सीधा कर लेते हैं। फिर इसको पेपर के सेंटर पे करने के लिए यहाँ क्लिक करते हैं पोजीशन पे, टॉप सेंटर निकाल लेते हैं पेपर की पोजीशन, और ऑल्टर के साथ इस तरह से, विदाउट ऑल्टर भी कर सकते हैं आप इस तरीके से, एक सेम डिस्टेंस के साथ इसको ऐसे करके ऊपर और फिर नीचे इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और इसका ये जो मामला है, ये येलो पॉइंट से थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद इसके आउटलाइन को ख़त्म कर दें, शेप फिल में अकॉर्डिंग टू शेप कलर्स भर दें, जैसे कि इसमें सबसे पहले एक ब्लू, डार्क ब्लू कलर है, देन उसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल डी दबा दें, डुप्लीकेट कर दें, इसमें एक इस तरह का कलर भर दें ऑरेंज टाइप का, और दोबारा से इसको इसके ऊपर प्रॉपरली एरो कीज़ की मदद से एडजस्ट कर दें। इसमें सिंपली थोड़ी से इसको इस तरीके से ऊपर कर दें, एंड थोड़ा बहुत नीचे से नज़र आ रहा है तो एक कम कर लें थोड़ा सा, कंट्रोल डी दबा दें, डुप्लीकेट कर दें, और उसके बाद फिर एक और डार्क ब्लू कलर दोबारा दे दें इसके ऊपर, और फिर इसको उठा के इसके ऊपर प्रॉपरली एडजस्ट कर लें, तीन कितना इसको डिस्टेंस देना उतना कर लें, देन फिर कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर दें, फिर ब्लू कलर इसके ऊपर अप्लाई कर दें, देन इस पर अप्लाई इस तरीके से कर दें इसको, तीन इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा और ऊपर कर दें, तो ये देखिए इस तरह का शेप आपका इसमें से निकल आएगा। उसके बाद ये सेंटर पॉइंट कैसे क्रिएट होगा, क्रिएट करेंगे शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, और एक यहाँ से कोई भी 12 से 16 एजिस वाला जो कोई भी शेप है उसको बना लें, उसकी विड्थ और हाइट 2x2 पे सेट कर लें, येलो पॉइंट पकड़ के इसको थोड़ा कम कर लें, ज़्यादा कर लें इस तरीके से जो इसके एजिस थोड़े कम हो जाएं, स्ट्रोक यानी कि आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दें, शेप में कलर जो है यहाँ से ये इस तरह का भर दें थोड़ा सा, ये इस तरह से जो नज़र आ रहा है उभरा उभरा सा, ऐसा बनाने के लिए इस पर क्लिक करके यहाँ चले जाएँ बीवेल पर क्लिक कर लें, तो बीवेल के आगे ही आ जाता है बदकिस्मती से, तो थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं और इसको थोड़ा उस साइड पर कर देते हैं ताकि ये सामने ना आए, तो बीवेल पर क्लिक करते हैं तो ये बीवेल सप्लाई होगा इसको, तो इस तरह का कोई भी बीवेल आपको जो इसके लिए सूटेबल लगता है वो आप इसके ऊपर लगा लें। इससे मुझे ये सूटेबल लग रहा है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, एंड देन इसके अंदर कंट्रोल डी करके एक डुप्लीकेट कर दें, उसको क्या करना है सर्किल में कन्वर्ट कर लें, चेंज शेप में जाएंगे यहाँ से सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा, साइज़ को रिड्यूस करके 1.6 पर सेट कर लें, उठा के इसके ऊपर सेट कर दें बिल्कुल सेंटर में इसके, इस पर भी एक अदद बीवेल लगा दें, ठीक है। उसके बाद एक और सर्किल ले लें कंट्रोल डी डुप्लीकेट करके, उसका साइज इसके कंपैरिजन और छोटा कर दें, कलर्स के अंदर डार्क ब्लू भर दें, उठा के अंदर सेट कर दें, ज़्यादा छोटा हो गया थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर भी एक और बी वेल अप्लाई कर दें, सही है। तो ये देखिए किस तरह का मामला इसके साथ क्रिएट हो जाएगा। बाकी ये कि ये फूल पत्तियाँ इसमें नहीं बना सकते हम, क्योंकि ये आगे चल के ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सीखेंगे कि पूरा कैसे होता है। मैंने कहा थोड़ा मैक्सिमम जो चीज़ इसके अंदर हम बना सकते हैं वहाँ समझ लें। हाँ, बाकी टेक्स्ट वगैरह लिखना आसान है, हाँ इनको सेंटर वगैरह करना भी आसान है, क्लिक करें पहले शेप पर, उसके लिए मैंने आपको बताया था सिलेक्शन पेन ऑन कर लें, तो
तो ये 16 पिन हमने तीन लिए, कंट्रोल की मदद से तीनों को सेलेक्ट करके शेफ फॉर्मेट पर जाके अलाइन में जाके इसको मिडल कर दें, क्लिक करें यहाँ से दोबारा से और लेफ़्ट राइट सेट भी सेंटर कर दें, इससे ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगी। और फिर सबको सेलेक्ट करके एक दफ़ा इनको क्या कर दें, ग्रुप कर दें ताकि ये इजीली मैनेजेबल हो। अब आप इसको इजीली यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकें किसी भी एक शेप को और यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद ये जो सेंटर में टेक्स्ट लिखना है, ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखने हैं ये तो आप वर्ड आर्ट से लिख ही लेंगे। ये वाला हिस्सा बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सर्ट में जाएंगे, शेप पे क्लिक करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल बना के हम उसको ट्राइंगल को रोटेट कर देंगे शिफ्ट के हेल्प से, बिल्कुल सीधा रोटेट हो जाएगा। तो हम उसको इस तरीके से जितना अंदर रखना चाहें रख लें, जितना बाहर रखना चाहें रख लें, ऐसा रख लें कि इसके साथ जाके जुड़ जाए। तो यहाँ से करके थोड़ा सा इसको लंबा कर लें और इसकी जो पिक है इसको थोड़ा और लंबा करेंगे तो हो जाएगा, नीचे करना तो नीचे हो जाएगी, लेकिन नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इस तरह से ले जाके इस पर इस तरीके से सेट कर दें। राइट बटन दबा के इसको आप कर दें सेंड टू बैक, क्लिक करें इसके ऊपर आउटलाइन के ऊपर, इसको यहाँ से नो आउटलाइन कर दें, कलर जो ग्रे सिलेक्टेड है उसी का शेड बना दें ग्रेडियंट पे क्लिक करके। कोई भी एक स्टाइल जो प्रॉपरली इसके हवाले से हो रहा हो सही है, वो ऐसे करके अप्लाई कर दें, क्लिक करें इसके ऊपर, कंट्रोल डी करके एक डुप्लीकेट शेप लें, शेप फॉर्मेट पे जाएं, यहाँ से क्लिक करके इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दें, क्लिक करें इसको पकड़ के यहाँ ले आएं और इसके साथ भी वही सीन कर दें। राइट बटन दबाएं, इसके ऊपर सेंड टू बैक कर दें, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से ये पूरा का पूरा बन जाएगा। अब इसके पीछे पे भी हल्का हल्का ग्रेडियंट है तो उसको भी क्लिक करके शेप से ड्रॉ कर लें। राइट सेंड टू बैक कर दें, क्लिक आउटलाइन ख़त्म कर दें, ग्रेडियंट ऐड कर दें लाइट कलर के साथ। ज़्यादा डार्क हो जाए तो फिर आप थोड़ा कम हल्का कलर ले लें इसके अंदर, इस तरह से कर दें, उसके ऊपर ग्रेडियंट लगाने की कोशिश करें। अब ज़्यादा डार्क हो रहा है तो उसके लिए फिर आप ये करेंगे, यहाँ क्लिक करके ग्रेडियंट्स के मोर ग्रेडियंट्स में चले जाएं, ग्रेडियंट्स को चूज़ कर लें, ग्रेडियंट के शेड आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, एक शेड थोड़ा यहाँ से क्लिक करके लाइट थोड़ा सा डार्क ले लें, बस यही करना था। डार्क से नीचे लाइट की तरफ आ रहा है तो इसको और क्या लाइट करेंगे, बस सही है, हटा दें इनको बीच से, और ज़्यादा लाइट करना इस पर क्लिक करके वाइट कलर ले लें इसके ऊपर, ये देखिए सब जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी ये लाइंस लगानी है, ये बॉर्डर लाइन लगानी है इसके ऊपर, तो ये स्टर्ट में जाके यहाँ से एक लाइन लगा दें इसके बॉर्डर, और यहाँ से लेके इसको और उसके बाद शेफ फिल में जाके नो आउटलाइन कर दें, आउटलाइन में जाके येलो कलर भर दें, थिकनेस थोड़ी बढ़ा दें उसकी, शेड कहाँ पे अप्लाई करना है शेडो में जाके इनसाइड पर रख दें, तो ये देखें इस पर शेड अप्लाई हो जाएगा। बाकी टैक्स वगैरह टैक्स बॉक्सेस को यूज़ करके इधर ऊपर नीचे जहाँ लिखना है
लिख कर इसको इस तरीके से कर आप बना सकते हैं, ठीक है।